चैनल तो आज है मंगलवार, सोमवार नहीं है, आज मंगलवार है। और वहां पे मैं सोमवार बोल दी थी तो जिसको उसको काट करके फिर मैं शूट कर रही हूँ कि आज मंगलवार है और आज है पूर्णिमा और आज है गुरु गोविंद जी का जन्मदिन। तो ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को। और तारीख कितना है पता नहीं, तो तारीख कितना है पता नहीं। और दिन है सोमवार और कहीं बाहर चली गई थी और आकर सो गई, तो अभी सोकर जब उठी तो पता चला कि आज हॉस्टल पर नहीं आएगी। तो काम तो ढेर सारा पड़ा हुआ है मेरा और टाइम हो गया है 3:30 हो गया है और चाय का टाइम भी हो गया है। तो मेरे साथ चलिए और चाय बनाते हैं और साथ में बैठ के चाय पिया जाएगा और ढेर सारा काम है उसे भी तो निपटानी है। तो चले मेरे साथ किचन में। तो आ गई हूँ मैं किचन में और देखिए किचन किस तरह से अस्त व्यस्त है। बाहर चले जाने से यही होता है ना। तो पहले जो थोड़ा सा आटा बचा हुआ था उसको मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में, फिर चौकी बेलना तावा जो है सो उसे निकाल कर मैं धो लूँगी। और गैस को भी साफ़ अच्छे से नहीं की थी तो उसी को मैं साफ़ कर ले रही हूँ। चले जाओ ना तो काम सब अस्त व्यस्त रह जाता है। तो जाते वक्त मैं रोटी बनाई थी इसे तो गैस साफ कर ली थी पर रोटी बनाई थी लास्ट में तो शायद उसे साफ नहीं कर। और बाहर चले जाने के कारण रोटी भी इसी तरह से सत्तू पराठा बनाई थी तो वो भी पड़ा हुआ ही है। सब बाबा नहीं ले जा करके धो लूंगी। लीजिए और ये टिफिन में रोटी बनाकर ना जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसके लिए रख देती हूँ और जब भी आता है तो एक एक रोटी मैं देते जाती हूँ। और वैसे भी एक तो है नहीं, 3-4 है, उसकी माँ है, उसकी नानी है, उसकी बहन है, फिर उसकी मौसी है, पूरा खानदान मेरे यहाँ पल रहा है। तो अभी एक आई है तो उसको हस्बैंड को दे रही हूँ, अभी जाकर आप दे दीजिए, मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ। चाय चढ़ा के उससे पहले ये मक्खन है जो मैं निकाल के गई थी तो इसको डाल दे रही हूँ ताकि ये भी घी बन जाए।
और जब तक चाय में मलाई ना हो ना तो चाय का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसमें मैं डाल देती हूँ मलाई, इसको बाहर ही छोड़ दी थी तो मलाई तो इसे अच्छा आया नहीं है मलाई अभी, तो फिर भी थोड़ा सा कर दो। और इसी में चढ़ा दे रही हूँ मैं चाय, इसको रख देती हूँ फ्रिज में। बेचारी कलर करके साफ करती है और नहीं रहती है तो हम ही साफ करते हैं रगड़ करके। और इसमें कब होता है टेस्टी चाय, क्योंकि सुबह में उबाला हुआ रहता है इसमें दूध। तो मैं बर्तन आंगन में ही धो ली थी और धोकर यहाँ पे ले आकर रख दे रही हूँ। और किचन में और बाहर का जो हॉल है वो थोड़े दूर, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ डेली शाम में, ऐसे रहती है तो वही लगाती है, नहीं तो मैं खुद लगा लेती हूँ शाम के समय भी। तो इससे क्या होता है कि साफ रहता है, अच्छा लगता है देखने में भी, तो बस वही झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगाकर मैं आ गई हूँ आंगन में और ये कुछ दीपावली के दिए हैं तो उसको मैं धो ले रही हूँ। तो जो बचा हुआ दिया है उससे और कुछ नया दिया मिला करके आज शाम में जलाया जाता है पूरे घर में, जैसे दीपावली को जलाया जाता है दिया उसी तरह से। तो ये पुराने दिए हैं तो इसको मैं धो करके और साफ अच्छे कपड़े से पोंछ ले रही हूँ ताकि ये चिपचिपा सा ना रहे, साफ हो जाए। और इधर लेकर मैं फिर आ गई हूँ दिया पोंछने के बाद में बत्ती और घी जो कि दीपावली का बचा हुआ है, तो उसमें मैं दिया और बत्ती में डाल दे रही हूँ और एक प्लेट में करके रख दूँगी। तो वो मैं तो चली जाऊँगी मंदिर पर हस्बैंड जी सबको जला करके रख देंगे सामने। और मुझे याद नहीं था तो अभी मैं पैर को भी रंग ले रही हूँ और पूर्णिमा के पूर्णिमा ही रंगती हूँ, क्योंकि इस कलर को लगाने के बाद क्या होता है कि पैर का जो एरी है वो फटने लगता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं लगाती हूँ पर मंथली जो रहता है सो मैं ज़रूर लगाती हूँ पूर्णिमा के दिन। तो वही बैठकर मैं यहाँ पे अलता लगा रही हूँ।
और इसके लिए ना मेरी भगनी बहुत हंसती है, बोलती है मामी ने मजबूत सा पे ब्रश बनाया है पैर रंगने के लिए। इसको जब भी मैं निकालती हूँ तो वो छोटी वाली भगनी मुझे याद आती है, इसको देखकर वो हमेशा हंसती है और है भी ना मोटा सा। और ये सब करने के बाद ना टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे है कुछ कपड़े जो सूखे हुए हैं, तो उसको मैं उठा करके रखते रही हूँ और पैर हाथ धोऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी और जाऊंगी। पहले घर में जलाऊंगी दिया, उसके बाद जाऊंगी मंदिर और मंदिर से आकर मैं कुछ खाना बनाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं अब मंदिर से आने के बाद। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ और यहाँ पे हस्बैंड चारों तरफ घर के दिवाली के जैसे दिए जला दिए थे, तो कुछ दिए तो अभी जल रहे हैं और कुछ दिए भूत गए हैं, तो उसमें मैं घी डालूंगी और चलती हूँ किचन में। तो मंदिर से आकर के कपड़े चेंज करके और आ गई हूँ फिर किचन में, और ये जो घी बनाई थी वो घी है, तो इसको फिर से गर्म करके और डब्बे में डाल दूंगी और बना लेती हूँ जल्दी से खाना, क्योंकि आज है पूर्णिमा और दिन है मंगलवार और तारीख है 80 रुपये केजी। आप लोग की तरफ कैसे हैं? जरूर बताइएगा। और आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन कुछ मीठा जरूर बनाना चाहिए, तो मैं खीर पूरी और आलू चना का सब्जी बना रही हूँ। तो उधर मैं खीर को चढ़ा दे रही हूँ और इधर कर ले रही हूँ आलू चने सब्जी की तैयारी। और आज का जो भी खाना है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, किसी और दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इस खाने को फिर से बनाऊंगी, तो क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ मेरा बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। तो तैयार है मेरा खाना, पूरी सब्जी, आलू चना का सब्जी और खीर। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि बनाते समय थे, तो आप भी खा लीजिए मेरे साथ। और मैं चलिए अब खाने के लिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।